is a must watch hard hitting film. See, this is the eye opener, very sensitive movie, but in the meantime sach ke sath mein jhoot ko bhi yahan par chipkaya gaya hai. Is duniya ko sirf Allah chalata hai. द केरला स्टोरी. आज मैंने ये फिल्म देखी और यकीन मानो ये फिल्म एक बेहद टफ हार्ड हिटिंग एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस हमें ऑफर करती है. इस फिल्म में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे देखना बेहद मुश्किल है. इस फिल्म को देखकर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, आगे जाके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होने वाली है. यूट्यूब पर कुछ चुनिंदा यूट्यूबर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब अपने रिलीजन के हिसाब से इस फिल्म का रिव्यू करते नजर आएंगे. बट टू द पॉइंट, ये फिल्म हमारे सामने हमारी सोसाइटी के एक ऐसे पार्ट को रिवील करती है जिसके बारे में इससे पहले हमने कभी सुना भी नहीं था. शौहर कबूल है. फिल्म रिप्रेजेंट करती है कैसे केरला में वुमेन्स का ब्रूटली ब्रेन वॉश करके उन्हें एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट ग्रुप में रिक्रूट किया जाता है. फिल्म का सबसे हार्ड हिटिंग पॉइंट है जब वो टेररिस्ट उन वुमेन्स का ब्रेन वॉश करते हैं, जिसे देखना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है. फिल्म के कुछ पॉइंट्स को इग्नोर किया जाए तो बाकी कम्प्लीटली कश्मीर फाइल के जैसे हमारे सामने हार्श ट्रुथ रिप्रेजेंट करती है. एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, ये फिल्म पूरी तरीके से एडल्ट है. अगर आप एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो तो इस फिल्म से बिल्कुल दूर रहना, वरना महीनों आप इसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाओगे. पेनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है. अगर रिव्यू आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हो ताकि इसी शॉर्ट रिव्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचे. चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा.